वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको ये सुंदर से लटकन बनाना बताने वाले हैं। ये सुंदर से लटकन कैसे बनाना है तो आपको पूरा हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स, गुड़िया ने गुड़िया के लहंगे के लिए लटकन खुद ही बना लिया है और कुछ इस टाइप से डिजाइन किया है। मैंने एक ही बनाया था क्योंकि मुझे पता है इसको मैं पहनूंगी, फिर आप लोग ये जरूर कहोगे कि हमें लटकन की वीडियो बनाओ। हाँ, तो क्योंकि पहले हमने लटकन वगैरह बनाने का कोई डिसाइड नहीं किया था बनाने का, या फिर इसके साथ कुछ भी लटकन का ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। फिर गुड़िया बोलने लगी इसके साथ लटकन बनाएंगे, तो मैंने कहा एक काम करते हैं आप लोगों को बता ही देते हैं, नहीं तो फिर बाद में जब गुड़िया जब लहंगे को वेयर करेगी और आप जब ये लटकन देखेंगे तो आप डेफिनेटली ये पूछने वाले हैं कि इनको कैसे बनाया है। तो हमने कहा आप लोगों को बता ही देते हैं। चलो गुड़िया बनाए। हाँ, पहले दिखा दो कि मैंने एक कैसे बनाया है। तो ये कुछ इस टाइप का है, ये इस टाइप का नीचे का रहेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर का, और यहीं पे बस खत्म हो जाएगा। अभी एक और बनेगा, एक ही है ये। ये देखिए, तो ये वाली चौड़ी वाली लेस जो मैंने लहंगे में लगाई थी वही हम लटकन के लिए यूज करने वाले हैं। तो इसको क्या करना है, ये जो डबल हो जाएगी ना, हमें इसको डबल करके लगाना है क्योंकि ये बहुत छोटी है, चौकोर इसका बनाएंगे तो सही नहीं बनेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमें नाप लेनी है कि कितनी है, ये है कि पूरी 4 इंच की। तो यहाँ से भी हम इसको 4 ही रख लेते हैं और ये थोड़ी थोड़ी सी दब भी जाएगी, तो हम एक काम करते हैं 4.5 रख लेते हैं इसको। अच्छा दीदी, आधे इंच दबने के लिए? हाँ, आधे इंच नहीं, दोनों साइड आधे में से भी आधे इंच दबेगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। तो ये दो हमने कट कर ली इस टाइप से। और देखिए यहाँ पर ये वेलवेट एक्स्ट्रा सिली हुई है लेस में, तो हम इसको ना निकाल लेंगे। अब इसको इसमें अटैच कर लेंगे यहाँ से, दोनों को इसको मिला के। जैसे ही हमने एक बनाया है वैसे हम एक और बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों ही हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों को ऐसे करके रखना है और इसके बाद हमें हमारी जो डोरी है वो ले लेनी है, जिसमें हमने एक लटकन ऑलरेडी बना लिया है और ये दूसरी साइड वाला हिस्सा है हमारा। इसको यहाँ पे सबसे पहले हम अटैच कर लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा छोड़ लेंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ हमने सिलाई नहीं लगाई है इतनी जगह में, बाकी चारों साइड लगा ली है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, देखिए। तो ये हमने इस तरीके से इसको पलट लिया है। अब हमें ले लेनी है चिंदिया, जो कि हम कपड़े सिलते हैं वो वाली चिंदिया, मतलब कतरन गुड़िया। हाँ, वही कतरन। और इनको छोटे छोटे पीस करना है क्या? नहीं, पीस नहीं करना है, वो तो ऐसे भी काम चल जाता है। अच्छा, मतलब तकिया भरना है? हाँ, तकिया भरना है अपन को। तो ये देखो, ये जो हमने तकिया बनाया है छोटा सा, इसके अंदर हम ये चिंदियाँ डाल देंगे ताकि ये अच्छा मुलायम नरम हो जाए। तो ये हमने तकिया भर के तैयार कर लिया है, छोड़ा था इसको हम सिल देंगे, इसको सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे। तो ये हमारा इतना बन चुका है। अब हम लेंगे एक डोरी, ये हमने 9 इंच की डोरी ले ली है। इसमें हमें वो वाली लेस हमारे लहंगे वाली थी और ये वाली लेस दुपट्टे वाली है, तो दोनों को मिक्स करके हम लटकन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें इसको भी ऐसे दो लेसों को अटैच करना है और हम इसको नाप लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 3 इंच है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक भी हमें 3.5 ले लेनी है क्योंकि यहाँ दब जाएगी। ये देखिए, हमने दो पीस लिए, फिर दो और ले लिए और फिर उसके बाद हमें इसको खोल देना है। ये हमने खोल दिए हैं और अब सिलाई निकाल दी इसकी साइड की। हाँ, इसकी भी साइड की सिलाई निकाल दी और इसको ऐसे करके इसमें दोनों को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद तरीके से हमें लेना है और इसमें एक बढ़िया सा हमें हार्ट शेप दे देना है। हाँ, किसका हार्ट है गुड़िया? मेरा तो नहीं है, ये तूने जो उनको काट दे। नहीं नहीं नहीं, ये किसी का भी हार्ट नहीं है, ये कपड़े का हार्ट है, इसको हम बिल्कुल काट सकते हैं। ये इस तरीके से हमको इसको बढ़िया सा एक हार्ट शेप दे देना है, तो हमने दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने डोरी ली थी तो बीच कॉर्नर पे लेना है। सबसे पहले हम इस डोरी को ही अटैच कर लेते हैं। ये हमने डोरी को अटैच कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद हमारे हार्ट शेप को लेंगे हम, इस डोरी को यहाँ से हटा देना है, इस तरफ कर देंगे क्योंकि यहाँ से हम खुला रखने वाले हैं, और यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। इसको हमने इतना खुला रख दिया है और ये डोरी को भी यहाँ से बाहर कर देना है, कहीं पे भी हमको नहीं दबाना है इस डोरी को। बाकी जो बचा हुआ फैब्रिक है ना, हम यहाँ से कोने कोने से इसको काट देंगे। हम इसको भी पलट देंगे इस तरीके से।
यहाँ पर हमें पेचकस की मदद से कर लेंगे, और या फिर आपके पास जो भी चीज हो तो आप उसकी मदद से हार्ड का शेप अच्छे से निकाल लीजिए बाहर, है ना। यहाँ पर हमने खुला छोड़ा था, इसमें भी हमने एक कतरन भर देनी है, बड़े बड़े रुमाली भर दो थोड़ी तुम दो। नहीं नहीं, बस कतरन भरेंगे छोटी छोटी सी, ताकि अच्छे से ये हमारा तकिया बन के रेडी हो जाए। हार्ड शेप वाला पिलो है ना गुड़िया। तो गुड़िया वैसे ये लटकन जो रहेंगे ब्राइडल लहंगे के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे ना। हाँ दीदी, बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। हमने इसके अंदर कतरन भर दिया, अभी यहाँ से जो खुला भाग है इसको हम पैक कर देंगे। तो ये हमारा हार्ट बन गया है। अब हार्ट के बाद हमें इस तरीके की एक पट्टी ले लेनी है नेट की, मैंने ऑलरेडी पहले से ही लेके रखी है। कितनी लंबी चौड़ी है ये? अरज में से पूरी है, जो हमारी पूरी होती है ना विड्थ। हाँ ये पूरी 40-42 इंच की। और इसके बाद इसकी चौड़ाई जो, हाँ ये है 2 इंच की। ओके, तो 2 इंच की हमें ले लेनी है। और इस पे पूरे पे हमें नक्की ले लेना है, और इस पे यहाँ से लगाएंगे हम। ना ही इसको हमें मोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें से छुने वगैरह कुछ भी नहीं निकलते हैं नेट में से, पता ही आप लोगों को। जैसे हमने ये वाली एक पट्टी 2 इंच की बना के रेडी की है, वैसे ही हमें सेम टू सेम एक पट्टी और करना है, पर उसको हमें करना है 2.5 इंच की। ये 2 इंच की, ये 2.5 इंच की। तो ये 2.5 इंच वाली पट्टी को अभी हम रख देते हैं, और ये 2 इंच वाली जो पट्टी है हमारी, इसके हम कर लेंगे 2 टुकड़े। ये हमने 2 टुकड़े इसके कर लिए, मतलब ये 20-20 इंच का फैब्रिक होगा यहाँ पे ना। 20-20 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। तो ये वाला जो फ्लावर है, इस टाइप का हमें फ्लावर बनाना है, वो भी इस पट्टी का। कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये यह हमें एक टेढ़ी वाली सुई ले लेनी है। सीधी वाली नहीं ले सकते दीदी? अगर आपके पास सीधी है तो आप सीधी भी ले सकते हैं। और यहाँ से ऐसे हमें गैदर्स जो होती है ना वो बनानी है, और जितनी पास पास आप बना सकते हैं ना उतनी पास बना लीजिए। ये हमारा बढ़िया सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अभी इसको रख देना है और एक फ्लावर और बना लेंगे हम। तो ये तीनों हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अब ये जो खुला वाला भाग है ना, हम इसको सिल देंगे यहाँ से। तो ये तीनों का हमने गोल गोल राउंड बना दिया है। अब हमें इसमें कैसे लगाना है, हमें इसमें लगाना है कि ये जो राउंड है इसके अंदर हम इस डोरी को ऐसे करके, कैसे मतलब सीधा या उल्टा, इस तरीके से हम इसको डालेंगे यहाँ से। और सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला ही बना लेते हैं। तो ये वाला लिया हमने, यहाँ से इतना हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पलट के इस साइड आ जाएगा। अच्छा, कितने इंच है ये? लगभग 2 इंच। 3 भाग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक डोरी के, इतना इसमें इतना इतना, इतना। मतलब 2-2 इंच का गैप रख लेंगे। हाँ, 2-2 इंच का गैप रख लेंगे हम। यहाँ से ये हमने ऐसे इसके अंदर डाला, और यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ, और यहाँ से हम इसको तरीके से हमने अटैच कर दिया है। और ये हमारा बढ़िया सा फ्लावर बन गया है। ये देखिए कुछ इस टाइप का है ये। ये बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसी तरीके से 2 और लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने तीनों ही हमारे फ्लावर को लगा लिया, और ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने हमारा वो चौकोर वाला फ्लो बनाया था, हाँ चौकोर वाला फ्लो, तो उसमें इसको अटैच करने के लिए हमें यहाँ से इसके 2-3 टांके को काट देना है कटर की हेल्प से। तो यहाँ से हम लेंगे इस तरीके से, इसको पहले ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करके फाड़ लेना है, हाँ, ताकि हमें टाके अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ से ये देखिए खुल गया इतनी आसानी से। बस 2 टाके काटे हैं मात्र, पर ध्यान से काटना, आप कपड़ा नहीं काट लेना। ये देखिए, ये हो गया और हमारा काम। ये यहाँ से अब हम इस डोरी को लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस तरीके से, इसकी हेल्प से। ये गई हमारी डोरी अंदर, हमने इसके अंदर डाल दिया है, और हम यहीं के यहीं इसको सिल देंगे, वो भी पक्की वाली सिलाई लगाकर। हाँ, ये कुछ इस तरीके का हमारा लटकन बन के रेडी हो गया है। पर अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो हमने एक और पट्टी बनाई थी जैसे कि ये वाली, इसको ले लेना है हमें। और हमें क्या करना है, इसमें एक डोरी बना लेनी है रेड कलर की। तो ये नेट की हमने रेड कलर की डोरी बना ली है, और अब हमें इसको इसमें से बनानी है लटकन। तो वो हम कैसे बनाएंगे कि यहाँ से हमें इतना फैब्रिक ले लेना है। इंच से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कुछ। ये जो हमारा है 3 इंच का फैब्रिक हमें ले लेना है। 3 इंच का फैब्रिक हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे करके रख लेंगे। मतलब थोड़ा गैप रखना है, कितना? हाँ, गैप 1 इंच का। 1 इंच का गैप रखने के बाद यहाँ से ये डोरी लेंगे हम, और इसको ऐसे पलट देंगे। इसको
पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा एक लटकन बन गया है। अब हमें और लटकन बना लेने हैं। वो हमें कैसे बनाना है कि यहाँ से ये वाला फैब्रिक ले लेना है नेट का और यहाँ से डोरी को रखना है कुछ इतने दूर से, जितना बड़ा हमें लटकन बनाना है उतने ही दूर से हम रख लेंगे और यहाँ से इसको सिलाई लगाएंगे। इसको भी पलट के हम सीधा कर देंगे। तो ये जैसे हमने दो बनाए हैं, ये वाला हमने अलग तरीके से बनाया था सिंपल, जैसे ये वाला बनाया है वैसे ही हम यहाँ तीन और बना लेंगे। इसमें हमने तीन और लगा दिए और इसके जैसे ही हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मशीन का काम नहीं करना है, अब हमें करना है हाथ का काम। तो हमें एक सुई में धागा डाल लेना है, बड़ी वाली या दीदी छोटी वाली? वाली सुई में। तो तीन तीन इंच की हमने नेट ले ली है, यहाँ से भी तीन और यहाँ से भी तीन, और इसको कुछ इस तरीके से हमने मोड़ लिया था और यहाँ से इसको गोलाई में कट कर दिया था। एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैंने इसको जल्दी से कट कर दिया क्योंकि मैं तो वीडियो बनाती नहीं हूँ, हमेशा दीदी ही वीडियो बनाती है। तो मैंने कट कर दिया, उसके बाद मुझे याद आया कि आप लोगों को भी बताना है। तो चलो ये हमने इस तरीके से कट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लटकन है उसको हमें ले लेना है और यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे ये हमारा जो हार्ड है ना, इसमें ये हमने सुई में धागा डाल लिया है और अब हमें इसको यहाँ से लेना है इस तरीके से। ये बहुत मोटा है तो सुई जा भी नहीं रही इसके अंदर। और ये वाले हमने कुछ मोती निकाल के रखे हैं तो ये वाले मोती हम इसमें लगा लेंगे। इसमें हमने चार मोती लगाए हैं। चार मोती के बाद हमें ये वाली नेट ले लेनी है। इस नेट को थोड़ा सा छोटा बड़ा रख के इसको एक बार फोल्ड किया, उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको अटक कर देंगे। हाँ, यहाँ से ऐसे ये दो टांके हमने इसमें लगा लिए। इसके बाद इसके धागे को वापस से ले जाएंगे हम। ये हम धागे को वापस ले आए, वापस लाने के बाद एक बार और इसको टक कर देंगे यहाँ पर, और मोती ले लेने हमें इसमें डालेंगे। अभी हमने चार मोती लिए थे, अब हम छह मोती ले लेंगे। जैसे हमने इसमें चार मोती टक किए, इसके बाद हमने ये वाला लटकन लगा दिया, वैसे ही हम फिर उसके बाद छह मोती लेंगे, लटकन लगा देंगे, फिर एक और लाइन बनानी है हमें, तो उसके लिए आठ मोती लेंगे और वो फ्लावर हम टक कर देंगे। तो ऐसे ही हमें तीन बना लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फ्लावर बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारी सुई है इसको लेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे धागे में और यहाँ पर अटैच करेंगे, एक टक करेंगे। हमें सबसे पहले ये छोटे वाले मोती ले लेने हैं, सबसे छोटे वाले। कितने दीदी? चार मोती लेना है बस, हमें ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद हमें ये मीडियम साइज के लेना है। ये कितने लेना है दीदी? ये हमें चार लेना है। इसके बाद हमें बड़े साइज के और ये वाले डिजाइन के लेना है। ये हम दो लगाएंगे और आपके यहाँ जैसे अवेलेबल हो पा रहा है आप उस टाइप लगा लीजिए। इसके बाद जो हमने लटकन की ये रेडी की थी इसको लगाएंगे। उसको कट कर दिया है पूरा? हाँ, ये डोरी को यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस धागे को यहीं से वापस ले जाएंगे हम। यहां लाकर इसको पक्का कर देंगे। जैसे हमने इस वाले को रेडी किया है वैसे ही हम एक इस साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए, ये वाला भी हमारा लग गया है और एक इसी के साथ हमारे पूरे लटकन बनके रेडी हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फाइनली सुंदर से लटकन बनके रेडी हो चुके हैं। ये आपको लहंगे कुछ ऐसे लगने वाले हैं और ये पूरा हमारा लहंगा है। और लहंगे की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग का। इसमें हमने ब्लाउज में भी लटकन बनाया है, वो हमारे कुछ इस टाइप के हैं। और ये जो ब्लाउज वाले जो लटकन है ना फ्रेंड्स, ये आपको कैसे बनाना है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये आपको सेम ऐसे बनाना है जैसे हमने ये बनाए हैं। बस ये है कि ये जो हमारे ये जो फ्रिल की पट्टी थी वो हमने दो इंच की ली थी, पर इसमें जो हमने फ्रिल की पट्टी ली है वो हमने चार इंच की ली है। तो चार इंच की फ्रिल की पट्टी लेंगे तो आपके थोड़े बड़े बड़े से अंगूर टाइप के लटकन बन जाएंगे। तो आपको ब्लाउज के लटकन भी आ गए समझ में और लहंगे की लटकन आ गए समझ में। तो आप फटाफट से बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और अच्छे लग रहा है ये लटकन और ये पूरा लहंगे का डिजाइन अच्छा लग रहा है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर बिना जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।